संसार के विजय आकाश में भेद नहीं होते, भेद
उपाधि के कारण आकाश में भेद की प्रतीति होती है, आकाश की आवागमन भी होती है, आकाश में कोई भेद। ठीक इसी प्रकार आत्मा शुद्ध व्यापक निर्विशेष, उसमें कोई भी गति आगति जन्म मृत्यु कुछ भी होना संभव नहीं होने पर भी उपाधि के माध्यम से उसकी उत्पत्ति स्थिति गति आगति इस प्रकार में प्रतीति होती है। मंदुकाय के कारण उसको दिखाई, जो भी कुछ प्रतियोमान वस्तु आपके पास है ना, वो सारा उपाधि में है। जो भी क्रिया जन्म आदि दिखाई पड़ते उपाधि में है, और उपाधि के अंदर अनुसूत होने के कारण हमको लगता है आत्मा में ही जन्म लेते। परंतु इस प्रकार विचार करते करते जिस समय मन निश्चय कर लेता है कि नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता के अंदर ही सच्चिदानंद अंश छुपा हुआ है। नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता में पारमार्थिक सत्य नहीं है, अधिष्ठान सच्चिदानंद पारमार्थिक सत्य वस्तु। तो क्या हुआ कि वो सत्य आत्म सत्य अनुबोध है न संकल्प यथा। तब क्या हो गया कि आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है और वो मेरा स्वरूप है। बाहरी कोई वस्तु पारमार्थिक सत्य नहीं है, परंतु बाहरी वस्तु संबंधित मन को संकल्प नहीं करता। क्या होता है, ग्राही भावी कारण ग्रहण योग्य वस्तु ही नहीं है तो इसकी ग्रहण करना है। इसके मंत्र ग्रहण करना बंद करते, इस प्रकार मन जब बाहरी वस्तु को ग्रहण करना बंद करते हैं तो मनुष्य ही अमनी भावे दैतव नहीं को बदलता है। तो मन जब अमर भाव को प्राप्त करते हैं मतलब बाहरी वस्तु संबंधित चिंता छोड़ देते हैं, तब द्वैत की उपलब्धि नहीं होती। वाजे का द्वैत पूर्ण ग्रहण करते हैं, परंतु मन को स्थिति में लाना बहुत कठिन है। कैसे कितना कठिन है, क्या बोला था, उच्छीक उदीर यदवत कुशा तेना एक बिंदुना मनुष्य निग्रह तद्वत भवे अपरिखेद। एक कुशा की एक बिंदु के द्वारा समुद्र की पानी को खाली करने के लिए जितना अध्यावसाय और उद्यम चाहिए, इतना ही अध्यावसाय और उद्यम चाहिए मन को स्थिर करने के लिए। उच्छीक उदीर यदवत कुशा तेना एक बिंदुना मनुष्य निग्रह भवे अपरिखेद। कभी भी परिखिन्न का मन हाँ इतना दिन तक किया कुछ नहीं रहा है, क्या होगा क्या बोलो, नहीं आना चाहिए। सत दीर्घ काल निरंतर न सत्कार सुविध लंबा समय तक निरंतर तक सब आदर पूर्वक अभ्यास करना चाहिए, सफलता निश्चित होगा। इस प्रकार मन को निग्रह करते समय पहले तीन प्रकार की प्रतिबंधक दिखाया। एक प्रतिबंधक है मन लय प्राप्त करते हैं, लय संबोधय चित्तम, मन यदि सोने की इच्छा करते हैं उसको जगाना चाहिए। जैसे मन को अपने जगह तो मन तुरंत जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध की ओर दौड़ने लगता है। जैसे अपने जगह लय संबोधय विक्षिप्तम समय भाग जाता है, फिर छोटे करते हैं। इस प्रकार कई बार पूरा शब्द बोला, इस प्रकार बार बार करते करते कुछ तो काबू में आ जाएगा मन, परंतु मन पूरा साम्यावस्था में नहीं आएगा, सकसाय भाव में आएगा, सोएगा भी नहीं आत्मचिंतन भी नहीं करेगा, बस बैठा रहेगा। तो उस अवस्था में अच्छी तरह से समझना चाहिए, समन प्राप्त न चाहे मन जब एक समभाव में आ जाते हैं फिर उसको मन को विषय अभिमुख होने मानते, फिर मन को विषय अभिमुख होने मानते। आवश्यकता अनुसार थोड़ा सो जाते हो तो कोई बात नहीं, विषय चिंतन मन में ना आते। ऐसा ग्रंथ करना हो तीन प्रकार की सावधानी को दिखाया मन को निग्रह करने के लिए। कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोगों ने, 45 तक 45 चल रहा था, 44 पूरा हो गया था, संभव प्राप्त न चल गई। ठीक है, 45 श्लोक को करेंगे, श्लोक को एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, पढ़िए ना। न स्वादये सुखं तत्र निस्संग प्रज्ञयामहे निश्चलं निश्चल चित्त मेकी कुर्या प्रयत्नतः। अब क्या है, जब आप एक चौथा प्रतिबंध जब आत्मज्ञान में लिए बोलता है और बहुत सूक्ष्म प्रतिबंध में लिए, ये क्या है, संप्रज्ञा तो असंप्रज्ञा तो स्थूल वस्तु है, तो सूक्ष्म वस्तु को मन पर एकाग्र करते करते मन जब एकाग्र होता है कुछ आनंद की अनुभूति होती है। वो जो विषयात्मक आनंद की अनुभूति, विषयात्मक आनंद की अनुभूति होती है, वो भी आपका स्वरूप सुख के अनुभव में प्रतिबंध बनता है, स्वरूप सुख के अनुभव में प्रतिबंध बनता है। इसलिए बोलते हैं पे न अस्वादित सुखम तत्व। इस प्रकार मन एकाग्र होने पर उसमें जो समाधि की जो सुख है, विषय रूप में जो आपके सामने आ रहे हैं, उस सुख को भी आस्वादन मत करो, उस सुख को भी आस्वादन मत करो। क्योंकि जब तक पुरुष का ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्त होना संभव नहीं है।
आपने तो प्रकृति की कोई वस्तु को अवलंबन करके मन प्रकृति की कोई वस्तु मतलब मन तत्व तक अहम तत्व महत तत्व आकाश वायु अपने जल पृथ्वी किसी एक वस्तु के तन मात्र में मन को संयोग किया था मतलब धारणा ज्ञान समाधि किए थे तो वहाँ तक होने पर भी भव प्रत्यय आपको जो पुरुष तत्व का ज्ञान जब तक नहीं होता है विधि हो प्रकृति लय आगम आप विधि लय प्राप्त करेंगे प्रकृति लय को प्राप्त करेंगे लंबा समय तक सुषुप्ति के सुख अनुभव करेंगे परंतु मुक्त नहीं हो पाएंगे फिर दिवर आने पर इसीलिए ब्रह्म के बारे में साधन करके क्या होता है न स्वादय सुखम तत्व इस समाधि सुख का भी आस्वादन निस्संग प्रज्ञा ब्रजे वहाँ पे विचार ये करना है ये समाधि सुख में से भी तो उत्थान होता है उत्थान काल में फिर जो शरीर की सकारात्मक इसलिए असम उससे भी विचार पूर्वक उससे भी अपना को अलग उस सुख से भी हटा लेते विचार निस्संग मतलब उस शासन वास करे अपने स्वरूप चिंतन करें ये विषय रूप में हमारे सामने जो सुख आ रहा है ये सुख आत्मसुख नहीं है ये तो मन को स्थिर होने के कारण कुछ आनंद की अनुभूति हो रही है उससे भी मन को हटा दे निस्संग प्रज्ञा प्रज्ञा मतलब विचार पूर्वक प्रज्ञा ब्रज उससे अलग करें फिर क्या होगा निश्चल निश्चल चित्त है ना फिर मन में कोई चंचलता कोई विकार कुछ भी नहीं उत्पन्न है ना ना किसी को जानने की इच्छा ना कोई पाने की इच्छा ना कोई चीज खोने की डर पूर्णता एक ही प्रयास प्रयोग करके इस अवस्था में मन में रखने का प्रयास पूर्वक उस अवस्था में रहने प्रयास पूर्वक उस अवस्था में रहना समाहित करें मन इसमें देखिए मूल में एक टिप्पणी निकल पड़े इसको एक नंबर टिप्पणी को पढ़ लीजिए हाँ नहीं पढ़े था उसको देखिए न आस्वादयेत्यादि ठीक है ना न आस्वादयेत् सुखम तत्व तत्व मतलब वो जो समाधि अवस्था में संप्रज्ञता समाधि में जो सुख होता है उसका आस्वादन मत मन को उसको लाइए मन को धीरे धीरे एकाग्र करने के लिए शुद्ध करने के लिए वेदांत के विचार के द्वारा मन को एक जगह पर जाकर विषयात्मक रूप में आएगा परंतु उसका जो आनंद है उसमें रूप मत जाए उस आनंद को भी छोड़ निसंग प्रज्ञा बजे जो विषय रूप में मन चित्त एकाग्र होने के कारण जो आनंद का अनुभव हो रहा है वहाँ भी मन को समझाए अरे मन ये भी तो विषय रूप में आनंद को तुम देख रहे हो है ना ये भी तो विषय रूप में आनंद देख यहाँ से तुम्हारा मन हट जाएगा फिर इसलिए स्वरूप आनंद के रूप अनुभव कर लो फिर जो है कैसे कुछ भी स्थिति हो वहाँ से विचलन नहीं होगा यहाँ पे बोलते हैं ना आश्वादन परम सुख व्यंजक अपि तत्र समाधो सुखम ठीक है वो मतलब ये समाधि में क्या हो रहा है कि विषय सुख से अधिक सुख मिल रहा है वहाँ पे समाधि सुख में क्या हो रहा है विषय सुख से अधिक इसलिए परम सुख व्यंजक अपि उसका अभिव्यंजक होते हुए भी आप वो क्या करेगा उसके बाद जो स्वरूप सुख है उसका अभिव्यक्ति के लिए हेतु बनेगा मन को एकाग्र करने का परम सुख व्यंजक अपि तत्र समाधो उस तत्र अर्थ क्या कर दिया समाधि है ना उस समाधि में वो समाधि में सुखम ना आस्वादय उस समाधि का जो सुख है उस सुख के आस्वादन में मन को मत लगा दो है ना उसको देखिए समाधि का जरा मन के काम कर सुख इसमें लगा रहे जिस प्रकार मान लीजिए रास्ते में हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं गंगोत्री जा रहे हैं गंगोत्री जाते हैं सुंदर एक पहले मनेरी में बहुत बड़े खोआ रहा है उसको सुख लेने की इच्छा हो जाता है मोहन पे बैठ गए एक नंबर ठीक एक नंबर दूसरे बार गंगा नहीं आया उसने पानी वहाँ पर हम नहाने लग गया दूसरा नंबर तीसरे बार भोग आया तो वहाँ पर दिखाई दे रहा ऊपर गंगोत्री मंदिर वहीं पर घुस गए तो गंगोत्री मंदिर पहुँच पाएंगे कि नहीं इसीलिए बोलते हैं उसको ऑब्जर्व करो परंतु उसमें सुख मत लो देख के चले जाओ आगे देख के आगे चले जाओ आगे पहले मंदिर दर्शन कर लो फिर उसके बाद जो होगा दिखा देगा तब तो बस ज्यादा अपने आप चलते रहेगा ये चीज़ यहाँ पर परम सुख व्यंजक अभी तंत्र समाधो सुखम न आश्चर्य क्यों वहाँ पे क्या होता है महत एकदम समाधो सुखम एव अनुभवती सविकल्प रूपा प्रज्ञा सुख आस्वाद ठीक है ना वहाँ पे कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मतलब जैसे सुषुप्ति में उठने के बाद आप क्या होते हैं कितना आनंद से सोया था फिर और ठीक ठाक अच्छा इसी प्रकार से वो यदि मतलब मन को एकाग्र करने का फलस्वरूप जो मन मतलब समाहित हुआ तो उस अवस्था में जो आनंद अनुभव होता है बहुत एकदम समाध हो सुखम ये सुख महासमान अन्य विशेष रूप से तुलना में तो बहुत अच्छा है एवं अनुभव कैसा अनुभव रहता है कि सविकल्प रूप का प्रज्ञा वहाँ पर लोग सविकल्प के विषय रूप में आपको समझा रहा है सुख आस्वाद वो आस्वाद सुख जो है वो सविकल्प सुख है ना उसका सर तस् बुत्थान रूप करते ना परंतु वहाँ से बुत्थान जरूर होगा वो बुत्थान रूप वहाँ से बुत्थान होगा
कुछ मालूम लगे तो वहाँ पर नहीं लगा। ऐसे तस्व बुत्थान रूपेगा समाधि विरोध जो स्वरूप समाधि है उससे विरोध हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से देखिए कितना सुंदर लिखा है कि कहाँ पे कहाँ किस हद तक उसका मतलब मन को एकाग्र करने के लिए विषय एक विषय का अवलंबन लेकर उसका चिंतन में मन को लगाते लगाते जब वहाँ पे वो सुख अनुमान तब उस विषय रूप में जो सुख आ रहा है उसको भी छोड़ दें, विषय रूप उसको भी छोड़ दें। तो तस्य बुत्थान रूपत्वेन समाधि विरोधित्व तन्न कुर्या, और भी समाधि के विरोधी होने के कारण उस प्रकार की सुखन मत कर, उस प्रकार की शुद्ध नहीं करना चाहिए। वहाँ पे क्या होगा, एतावत्तम कालम अहम सुखी थी सुख अश्वाद रूपम वृद्धि न पूजा, हाँ इतना समय तक जैसे कितना आनंद से अभी तक मैं सोया था, ऐसे वहाँ कितना समय तक मैं समाधि में बैठा हुआ था, ऐसा भावना कभी मत आने दे, हमेशा मन को समय इतना समय तक काल परिच्छिन्न के घेरे में आत्मा नहीं है, काल पैसे इतना समय तक मैं समाहित हुई आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा काल से भी परे है ना, इसलिए तो बोलते हैं एतावत कालम अहम सुखी, इतना समय तक मैं तो बहुत सुखी रहा, जैसे युक्त में सोते हुए बोलते हैं आहा कितना आनंद से सोया था इतना देर, कुछ भी नहीं जाना, ऐसा समाधि भी प्रदान। इसलिए योग दर्शन की जो अंतिम बोलते हैं जो चित्तवृत्ति निरोध मंडूक कार्य कर, वहाँ से वेदांतिक समाधि शुरू होता है, वहाँ से वेदांतिक समाधि शुरू होता है, मतलब वेदांत की मुख्य अनुभूति वहीं से मतलब स्वरूप अनुभूति वहाँ से जाकर के शुरू होना पड़ता है। क्या होगा, उस सुख को भी विषय रूप में जो आता है उससे अलग करके, एतावंत कालम अहम सुखी सुख अस्मद रूपम वृत्ति न पूर्या, इस प्रकार वृत्ति को नहीं करना चाहिए। क्यों, समाधि भंग प्रसंग, मैं इतना तक मैं सुखी था आगे दुखी हो गया हूँ ये बोलना पड़ेगा ना। सुख स्वरूप जो स्वस्वरूप सुख है, जब तक हम सुख प्राप्ति के प्रयास करते रहेंगे तब तक हम दुखी ही रहेंगे, ठीक हो, तो विशेष होगा और उससे उत्थान होगा ही होगा फिर दुखी हो जाएगा। इसलिए जब इसलिए सुख ढूंढना नहीं है, सुख स्वरूप अपने में रहेगा, जब तक सुख ढूंढते रहेंगे तब तक हम दुख अंतिम परिणाम दुख भी हो जाएगा। इसलिए प्रज्ञा जब उपलब्ध्यते सुखम तदपि अविद्या परिकल्पितम, देखिए निशंग प्रज्ञा भवे है ना, प्रज्ञित भवे, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब क्या, देखिए प्रज्ञा मतलब जब उपलब्ध्यते सुखम, जो सुख की मैं उपलब्धि करता हूँ विषय रूप में तदपि अविद्या परिकल्पितम, ये भी अज्ञान कहीं नहीं, ये अज्ञान कहीं नहीं है ना, ये प्रज्ञा यही है। जब उपलब्ध्यते सुखम, जो सुख विषय रूप में उपलब्ध होता है वो अज्ञान का ही महिमा है, तदपि अविद्या परिकल्पित, मृषा एवं मतलब थोड़ी देर रहता है बाद में चला जाता है, मृषा एवं इति एवं भावनाया, इस प्रकार की भावना के द्वारा निस्संग निष्प्रिय है ना, सर्व सुखेषु भवे, समस्त विषयात्मक जितना सुख है समस्त विषयात्मक सुख सुख ही उससे संग उसकी इच्छा छोड़ दे, निस्संग मतलब निष्प्रिय भवे। वहाँ पे क्या बोला, निस्संग प्रज्ञा भवे, पहले प्रज्ञा शब्द का अर्थ कर दिया प्रज्ञा, तिब्बत का प्रज्ञा शब्द का जब उपलब्ध होते सुखम तदप अविद्या परिकल्पित मृषा एवं इति एवं, यानी योग प्रज्ञा इति एवं भावनाया, योग प्रज्ञा ये निस्संग, निस्संग शब्द अर्थ क्या, निष्प्रिय, इससे भी स्पृहा रहित हो जाए, इससे भी स्पृहा रहित हो जाए, सर्व सुखेषु जितना विषयात्मक सुख है समस्त सुख से मन को ऊपर उठा लेना चाहिए। अभी जद्वा एक अर्थ पहला, जद्वा उक्त रूपया प्रज्ञया, ऊपर बोलता है जो भी विषय रूप में सुख अनुभव होता है वो क्षणस्थायी होता है, उस देर के लिए होता है, वो स्थायी सुख नहीं है। इस प्रकार बुद्धि के द्वारा सविकल्प सुखाकार इस प्रकार सविकल्प जो सुख है वृत्ति आकार, वृत्ति से प्राप्त हो रहा था ना, उस वृत्ति के साथ जो संग हो रहा था परित्यजे, उसको छोड़ देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, काम निरुद्धा मतलब उस प्रकार वृत्तियात्मक सुख को रोक दो, न तो स्वरूप सुखम अभी निर्वृत्त करते ना चित्त, तब बोलेंगे स्वरूप सुख कैसे अनुभव करेंगे, अब वहाँ पे कौन करते हैं निरुद्धा, न तो स्वरूप सुखम अभी निर्वृत्ति निर्वृत्ति के न चित्ते न अनुभव है, यदि जब स्वरूप सुख तो वृत्ति विरहित अवस्था में हम उसको अनुभव नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा नहीं समझना, वृत्ति रहित अवस्था में भी सुख होता है,
यद्यपि योग दर्शन में ऐसा कहा अभाव प्रत्यय आलोपना वृत्ति निद्रा प्रत्येक अद्भुत वस्तु है यहाँ पे वृत्ति रहित होने के बाद जो स्थिति होते हैं वो एक अनोखा सुख है। इसलिए बोलते हैं न तो स्वरूप सुखम अभी स्वरूप सुख भी निर्वृत्ति के न कोई वृत्त नहीं था चित्त न चित्त के द्वारा न अनुभवे स्वरूप सुख का वृत्ति रहित चित्त के द्वारा अनुभव नहीं होता न तो भवती ऐसा नहीं समझना चाहिए। स्वभाव प्राप्त बाहर हेतु अशक्तत्वा स्वरूप से प्राप्त हो रहा है जो वस्तु ना उसको तो नहीं चाहते हुए भी निवारण नहीं कर बाहर हेतु अशक्तत्वा उसको निषेध नहीं कर सकते वो अपने आप अनुभव में आएगा वो अपने आप अनुभव में आएगा। वृत्ति नहीं है कोई बात इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति जो होता है व्यक्तकार वृत्ति और वृत्ति अंतिम में नाश हो जा करके बस शुद्ध स्वरूप भाव में रहते हैं। ठीक है देखिए जदवा बोल करके उक्त रूपया प्रज्ञा सविकल्प सुखाकार वृत्तिया सह सविकल्प जो सुखाकार वृत्ति मतलब ब्रह्माकार वृत्ति मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है ना जो हमारा अंतिम व्यू है ब्रह्माकार वृत्ति सह संगम परित्याग ब्रह्माकार वृत्ति के प्रति आसक्ति उसको भी परित्याग कर देंगे तम निरुद्धा का ब्रह्माकार वृत्ति को मनुष्य चलचित्र बोलते हैं को अपने आप ही रुक जाते हैं। जैसे ही व्यापकाकार अवस्था में आते हैं मन को स्थिर तक वृत्ति रूप में रहते रहते वो ब्रह्म क्या करता वृत्ति को और आकार के दोनों नाश करते केवल शुद्ध ब्रह्म क्या को भाग ही रहता। इसलिए बताया न तो स्वरूप सुखम अपनी निर्वृत्ति के चित्त न ये स्वरूप सुख को वृत्ति रहित चित्त का नाम कैसे अनुभव कर सकते हैं बल्कि ऐसा नहीं समझना कि स्वभाव प्राप्त स्वरूप होता है स्वभाव अपने भाव में रहने के फलस्वरूप ये सुख है स्वभाव प्राप्त से तस् बार युद्ध अशक्त था उसको तुम निषेध नहीं कर सकते वो अपने आप ही आएगा अपने आप ही आएगा एवं सर्वत निवर्त्य निश्चल हर जगह से उठा हुआ जो मन चित्त है एवं सर्वत निवर्त्य निश्चल प्रयत्न वशेन कृतम चित्तम प्रयासपूर्वक इस चित्त को आपने हर जगह से उठा लिया स्वभाव चांतला विषय अभिमुखतया निश्चरे बहिर्निर्लक्ष्य प्रयत्न तो निरोधम प्रयत्न एकी कुर्यात् समय ब्रह्म ने एकताम नये। यदि इस प्रकार से करने के बाद जन्मांतरी अनेक संस्कार है कुछ देर तक हमें फिर मन विषय को जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तब क्या करना चाहिए फिर मन को व्यापक विषय कर्म नहीं लेना चाहिए मन किसी न किसी वृत्ति के साथ रहेगा अब उस समय वृत्ति तो नहीं है आपके पास सर्वोच्च रूप में बैठा हुआ तो घबराहट होगा ये क्या होगा फिर कोई विषय को पकड़ने का कोशिश करेगा जैसे ही पकड़े फिर मन को व्यापक आकार देगा मन को तब क्या करना पड़ेगा व्यापक आकार देखना इसके सुंदर लिखा ध्यान एवं इस प्रकार से सर्वतः हर जगह से निवर्त्यम निश्चलम चित्त प्रवेशन है ना उठा हुआ निश्चल जो चित्त है प्रयत्न वशे न कृतम प्रयास पूर्वक अपने चित्त को अपने वश में कर लिया वैशर्कृतम चित्त स्वभाव चंचल बंद जन्मांतर संस्कार चित्त का स्वभाव क्या है चंचल स्वभाव चंचल या थोड़ी देर सुख अनुभव करके फिर चला जाता फिर वह चला जाता इसलिए बोलते स्वभाव चंचल या विषय अभिमुखता या निश्चय फिर विषय की वहाँ पे क्या है वो क्या है इस प्रकार भाव के फिर मन में होता है क्या होगा क्योंकि जन्मांतर रिसर्च करें अच्छा वस्तु को देख कर वहाँ पर अच्छे मंदिर वहाँ पर ये सब देख कर अपने मजे वृत्तियाँ होंगी है इसलिए बोलते हैं वहाँ पे कि निर्वृत्ति के न चित्ते न स्वभाव प्राप्ति एवं सर्वत निवर्त्य निश्चल प्रयत्न वशेन कृतम चित्तम स्वभाव चांचल्य विषय अभिमुखतया निश्चय यदि बाहर जाता मतलब बहिर्निर्गच्छे यदि बाहर जाने की इच्छा करते हैं प्रयत्न तो निरोध प्रयत्न तो है ना वहाँ पे प्रयत्न क्या करना निरोध नहीं नहीं मन को समझाना चाहिए नहीं मन को समझ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे तो अनुभव हो गया अब समाधि शुद्ध को स्वरूप शुद्ध को कितना आनंद कर रहा है प्रयत्न तो निरोध प्रयत्न निरोध मतलब मन को जो है वहाँ पे नहीं जाना देना आत्मनिष्ठ के फल मुख्य रूप से प्रयास यही आत्मनिष्ठ प्रयत्न तो निरोध प्रयत्न एक ही ऊर्जा मन को एक एक जगह पे फिर लाना चाहिए मन शब्द स्पर्श रूप रस पांच मुख के घोड़ा के माध्यम से दौड़ने का जो प्रयास था उसको जो है एक जगह पे लाना चाहिए कहाँ पे लाना चाहिए समय ब्रह्मणी एकता है ना व्यापक निर्विशेष पूर्ण एक व्यापक तत्व के मन को लाना चाहिए इति आदेश का निर्देश है पूरा श्लोक का छोटे बच्चे पढ़कर अपना
समाधि छाया यत सुखम उद्दीगामि है ना, समाधि छाया यत सुखम उत्पद्यते तद विषय अभिलाषादपि मनोनिरोधव्यम् इति आह। ठीक है ना, समाधि लगाने की इच्छा होती है ना, उस अवस्था में जब सुखम उत्पद्यते सुख की उत्पत्ति होता है, तद विषय वो भी विषय रूप होने के कारण उस विषय रूपी अभिलाषा से भी, उस विषय रूपी इच्छा से भी मन को रोक देना चाहिए, मनोनिरोधव्यम् मन को रोक देना चाहिए। समाधि इसका मतलब समझ, देखिए मन को एकाग्र करने के लिए निषेध का ये लोग जो है करके उल्टा अर्थ कर बोलेंगे, ये नहीं होता। हमें पूर्ण प्रयास से मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए, विषय पर किसी अवलंबन देकर के मन को पहले वहाँ पे एकाग्र करके फिर मन को विषय रहित कर। और यही तरीका है, यही तरीका है, अचानक मन विषय रहित होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। इसीलिए पहले क्या करना चाहिए, लोक दर्शन में छूट रहे यथा अभिमतम ध्यानांतवा, आपके जीवन में भी अच्छा घटना हो जो आपको अच्छा लगता है, आपके मन को सुख देता है, इस प्रकार कोई एक चिंता में मन को लंबा समय तक रखने का प्रयास करें। कितना लंबा समय तक रखें ऐसा अभ्यास करते रहें, फिर शास्त्रीय अवलंबन लें, शास्त्र अवलंबन ले लें, फिर उसके बाद शास्त्र का मुख्य विषय जो ब्रह्म धर्म है उसका अवलंबन लें, फिर उस अवलंबन ले लें। ये चीज है, प्रक्रिया है कि जन्म नित्य गामी योग दर्शन में संप्रज्ञा तो असंप्रज्ञा तो फिर उससे मन और हमारे यहाँ का उससे भी ऊपर उठा दो, उससे भी ऊपर उठा दो, यही क्रम से इस प्रकार रहेगा। समाधि छायाम जब सुखम उत्पत्ति तद विषय अभिलाषा तो भी उस विषय की इच्छा से भी मन को रोक लेना चाहिए, मनोनिरोधव्य इति आह। दो नंबर टिप्पणी में समाधि छाया मिति समाधि संपत्तो विधि शिशु, मैं समाधि लगाऊंगा तो चुपचाप बैठने से अकेले रहने से पिंड मन चुप हो जाता है, तो उसको विषय रूप में विषयात्मक समाधि है ना, उसमें ही इच्छा होती है। जैसे व्यक्ति को सोने की इच्छा क्यों होती है, गेम की वहाँ भी आनंद मिलता है, समाधि नहीं लगा पता लग पाता है, परंतु जो है सोने की इच्छा तो थक जाते हैं इंद्रिय शरीर इंद्र मन होती तो उसको सोने के गहरे नींद में चले जाते हैं। इस प्रकार जागृत में बैठ करके गहरे नींद में जाने का अभ्यास करें, जागृत में बैठ करके गहरे नींद में जाने का अभ्यास करें। इसके ऊपर जो वाशिष्ठ विवरण सुंदर विवरण है, इसका मुखल सीताराम अग्रवाल जी ने तो इसमें मैसेज में भेजा कि समझिए ये थे तो लोग हमारे संप्रदाय भी आचार्य अलग अलग बात नहीं करते, संप्रदाय भी आचार्य सब एक ही बात करते हैं, किसी प्रकार से घुमा के जो वाशिष्ठ ने धर्म कथा के माध्यम से समझाया, और यहाँ पे सीधा सीधा तत्व को बड़ा अवलंबन करके बोल रहे हैं। सीधा तत्व का उद्देश्य यही है क्या, जागृत को सुषुप्ति बना, किसी भी प्रकार से अपने किसी का विकल्प उत्पन्न होने मात्र को मैंने इसीलिए पे बोलते हैं समाधि छायाम जब सुखम उत्पद्यते तद विषय अभिलाक्षात अभि मनोनिरोधव्य मन को निरोध कर देना चाहिए। दो नंबर जो है समाधि संपत्तो समाधि को संपादन करने में इच्छा होती है वहाँ से भी मन को रोक देना चाहिए, न अश्वागय सुखम तत्व निशंको प्रज्ञा बदले तत्व। हमें टीका में जो मूल में जो तत्व पद आया हुआ है टीका में, टीका का क्या निकल उसका तत्व यदि समाधि अवस्था उच्यते है ना, संप्रज्ञा का संप्रज्ञा जो भी समाधि अवस्था उसको तत्व शब्द वगैरह कहा गया, किंतु समाधि अवस्थाया सुखम यद उपलभ्यते तद अज्ञान विचिन्त मिथ्या एव इति प्रज्ञया मतलब विवेक ज्ञान है, किंतु वहाँ से भी नाश वहाँ कभी सुख आस्वादन नहीं करना चाहिए, अभ्यास करके वहाँ पे सुख देखेंगे तो वहाँ पे रुक जाएंगे, परंतु ये भी दुखदायी सुख है, सुख है परंतु दुखदायी सुख है, मतलब एक वहाँ से भुगतान होना है, विषय सुख जो भी कुछ होगा वहाँ पे वो तो दुख है। इस प्रकार सुषुप्त स्थान में उठना पड़ता है कि नहीं, आप जब अपना मर्जी सुषुप्त में नहीं रह सकते, बिस्तर में लेटे रहना अलग बात है, सुषुप्त अवस्था अलग बात है ना, इसीलिए आप बोलते हैं किंतु समाधि अवस्थाया सुखम जब समाधि अवस्था में जिस सुख की उपलब्धि होती है तब अज्ञान विजृंभता हो अज्ञान से मतलब अज्ञान का ही खेल है, अज्ञान के मिथ्या ही कुछ जो भी कुछ पारमार्थिक वस्तु ने इस प्रकार की प्रज्ञा
यानी इस प्रकार की मतलब विवेक ज्ञान है, विवेक ज्ञान के कारण ये विवेक चाहिए। विवेक क्या चाहिए? जो भी विषय रूप में हमारे सामने आ रहा है वो कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। जो भी विषय के मुख्य प्रज्ञा जो सूक्ष्म रूप क्या है, जो भी विषय रूप में हमारे सामने आ रहा है वो भी पारमार्थिक वस्तु नहीं है। जो हमारा स्वरूप है वो पारमार्थिक विषय रूप में नहीं आता। इसलिए बोलते हैं कि मिथ्या एवं की प्रज्ञा विवेक ज्ञान है ना निष्प्रिय सन भाव, उस प्रति निष्प्रिय भावना, निष्प्रिय भावना लाना चाहिए। विवेक ज्ञान है ना तीन नंबर टिप्पणी इति आकार के न अनित्य सुखा तद भेद निश्चय है ना। अनित्य सुख विषयात्मक जो भी सुख होगा वो अनित्य सुख होगा, उसका भेद मतलब अनित्य अनित्य सुख के भेद को निश्चय करके। नित्य सुख से उत्थान नहीं होता, अनित्य सुख से उत्थान होता है और फिर हम सुख हो जाते। इस प्रकार प्रज्ञा के द्वारा मन को स्थिर करने का प्रक्रिया हमारा दोनों के लिए समान है, परंतु योग दर्शन जहाँ पे आकर समाप्त हो जाता है, वेदांत बोलते हैं इससे तुम्हारे विवेक शुरू हो गया, यहाँ पे विवेक पूर्वक उससे वेला का स्वरूप शुरू हो जाता है। इसलिए बोलते हैं विवेक ज्ञाने न इति आकार के न अनित्य सुखादि अनित्य सुख से तब भेद निश्चय, इस अनित्य सुख और नित्य सुख के भेद की निश्चय के द्वारा ये होगा प्रज्ञा। यह होगा प्रकाश प्रज्ञा के द्वारा निष्प्रिय उससे भी स्प्रिया रहित हो जाए, उससे भी स्प्रिया रहित हो जाए संभाव है। उस पर चिंतन करना चाहिए निस्संग प्रज्ञा भवेत। एक फिर किंच जब चित्तम प्राचीन वैराग्यादि उपायेन निश्चलम प्रत्यग आत्म प्रवणम प्रसादितम तब यदि स्वभाव अनुसारेण बहिर्निर्गन्तुम इच्छेत तदा संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि पर्यत्ता प्रयत्न तद आत्मनि एव एकीकृत तद मात्र आपाद्य परिशुद्ध परिपूर्ण ब्रह्मात्मक स्वयं दृष्टे निश्चल 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 चित्त निष्कर्ष का कार्य और भी देखिए ये जो चित्त इतना तक आने का बात भी देखिए। ये बोलते हैं कुत्ते के कुत्ते ही मतलब क्या होता है, एक कुत्ते की पूंछ को आपने मान लीजिए 50 साल तक एक पाइप के अंदर डाल करके रख दीजिए, फिर उसको खोलिए तो क्या हो जाएगा, ठीक वैसे हो जाएगा। हमारे मन के यही शब्द प्रयोग किए चैतन्य समझ इसको समझाते हुए मुझे कुत्ते की दूध गढ़े की थे योग भी शब्द मुझे मुझे सुना था। मैं पहले कहने के बताया कैसे किसी एक कुत्ते की पूछ को आपने काट करके किसी एक पैर को पूछने आप लंबा समय तक रख लीजिए, जब खुलेंगे तब देखिए मन देखो इतना अवस्था में आने के बाद भी विषय की ओर दौड़ने की इच्छा करती है, विषय की ओर दौड़ने की इच्छा करती है। इतना आसान नहीं है, इसको पकड़ के ही रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। बोलते हैं कि जब चित्तम प्राचीन वैराग्यादि उपनिषद चित्त जो है ना संप्रज्ञात समाधि विशेष चित्त संप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से अपने अभ्यास करके कुछ हद तक निरोध किया, पर फिर भाग नहीं है, फिर भाग के बाहर जाता है, फिर विषय को दौड़ रहा है, फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे ही संप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से वहाँ पे खींच के लाना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि जब चित्तम प्राचीन वैराग्यादि उपाय निश्चल निश्चल मतलब क्या किया था, प्रत्यक आत्म प्रवणम मन की एक धारा क्या था, प्रत्यक आत्म के प्रति वो झुका हुआ था, मतलब उसी चिंतन व्यापकता की पूर्णता के बाद में स्थिर हो गया। प्रसादितम मतलब आपने उसको अच्छी प्रकार से साधन के द्वारा उसको सजाया, तब यदि और वही मन फिर यदि स्वभाव अनुसार है, उसका स्वभाव है क्या, जैसे इलास्टिक को आप टांग के खींच के रख दीजिए छोड़ देंगे फिर खींच जाते, ठीक इसी प्रकार मन को आपने अभ्यास पूर्वक व्यापकता में पूर्णता में लगाया फिर विषय दौड़ना चाहते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि तब यदि स्वभाव अनुसारेण बहिर्निर्गन्तुम इच्छेत फिर बाहर जाने के लिए इच्छा करते हैं तब तदा संप्रज्ञात समाधि पंचमी वचन संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि पर्यंत असंप्रज्ञात समाधि तक
प्रयत्न प्रयास पूर्व, फिर जैसा पहले कर गए थे उसी प्रकार बार बार प्रयास करते हुए तब आत्मनि एव एकीकृत तो आत्मा में व्यापकता पूरा आत्मा मतलब व्यापकता पूर्णता असंगता के भाव में मन को लाकर तद मात्र आपाद्य निर्विशेषता की भाव में स्थिर रह करके परिशुद्ध परिपूर्ण ब्रह्मात्मा कहने देखिए परिशुद्ध मतलब विषय चिंता से नहीं परिपूर्ण मतलब अपनी व्यापकता और निस्संगता ब्रह्मात्मक स्वयं दृष्टि और व्यापकता की निस्संग व्यापकता के भाव में अपने आप विद्यमान रहना चाहिए स्वयं दृष्टि ठीक है ना। कि तद मात्र आपाद्य तीन विशेषण दिए परिशुद्ध परिपूर्ण ब्रह्मात्मक परिशुद्ध मतलब विषय चिंता से नहीं परिपूर्ण मतलब व्यापकता और ब्रह्मात्मक मतलब असंगता है ना असंगता स्वयं इस भाग में अपने आप विद्यमान है आवश्यक मान में रखते हुए निश्चल 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 चित्तम प्रयत्न ये सब प्रतीक है ना ऊपर मूल का एक प्रतीक है प्रतीक मूल का प्रतीक आप जो बोल रहे प्रथम पाद अक्षराणि योजयति इस श्लोक में प्रथम पाद क्या है प्रथम पाद है ना ये प्रथम पाद के अक्षरों को व्याख्या करते हैं जो जयंती भाष्य में आ जाइए समाधि योगिन यद सुखम जायते तद न आश्वादयेत इसलिए ना ये जो वेदांत कोई लोग ये जो जहाँ गाली खा करके अथवा किसी के मध्यम जीवन को समाहित कर लेते हैं वो वेदांत समाधि उसको समाधि का सुख लेने के लिए बैठ कर चुपचाप बैठा हुआ है उस सुख की आस्वादन करने की इच्छा न करे तब स्वरूप सुख से बाधा हो जाएंगे स्वरूप सुख तक नहीं पहुंच पाएंगे कितना सुंदर हम यहाँ पे सावधान किया हमने समाधि सतह योगी न समाधि की इच्छा रखते हैं जो योगी उन योगी का जब सुखम जायते जिस प्रकार की सुख उसके अंदर उत्पन्न होता है तब न आस्वादय वेदांत शास्त्र उस प्रकार की शुद्ध को भी आस्वादन में मन को मत लगाओ उसके माध्यम से चलो परंतु उस सुख में मत रुक जाओ उसका आस्वादन मत करो ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं प्रथम समाधि समाधि सतो योगी न समाधि की इच्छा रखने वाले जो योगी है उस योगी का जब सुखम जो सुख उसको प्राप्त होता है जायते उत्पन्न होता है तब न आस्वादय उस सुख का आस्वादन मत करो सफेद कपड़ा को भगवा कपड़े बना देते हैं तो हम क्या करते हैं उस सफेद को भगवा रंग में डालते हैं तो सफेद कपड़े का तो रंगीन हो जाता है। अब जो है मन असंग हो गया ना अब इस शुद्ध मन को फिर उस रंग में मत डालो उस रंग में मत डालो है ना तत्र न रज्जेत को समाधि की रंग में मत डालने की कोशिश करो अर्थ ये इसका भेद है। तब कैसे करें फिर मन को वहाँ पे तब प्रथम तरी तब फिर मन को कैसे रोके वहाँ पे तब बोलते निस्संग मतलब निष्प्रिय किसी भी प्रकार की सुख की स्प्रिया ही मन से उड़ जाए। देखिए पहले क्या था लॉजेंस बिस्कुट खाने का शौक इच्छा स्प्रिया थी बड़े हो गए तब विषय भोगने का शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय ये सब भोगने के इच्छा उससे उठा साधन में लगा ठीक है भगवान की भक्ति की इच्छा उससे क्या हो गया फिर समाधि लगाने की इच्छा इससे भी ऊपर उठना पड़ेगा तो फोर्थ स्टेप इज वेरी डिफिकल्ट फोर्थ स्टेप इज यहाँ से तो ठीक हो जाता है फोर्थ स्टेप बहुत सूक्ष्मता के साथ क्योंकि इधर जा रहे स्वभाव में है कि लय है वो समझना बहुत मुश्किल फोर्थ स्टेप यही है समाधि सुख की आस्था पहले पहला हो गया आपका लय दूसरा हो गया आपका विक्षेप तीसरा हो गया सकसा है चौथा है समाधि सुख समझ में आ रहे आपको है ना। इस चारों से विचार पूर्वक धीरे 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 मन को उठाने की क्या स्थिति नाम है। अब देखिए कालिकाकार जो बोल रहे हैं भाष्यकार जो ही बोल रहे हैं टीका टिप्पणी कार्य का उसी जगह पे खड़े हुए हैं और जो वशिष्ठ भी ऐसा है कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा कह रहे हैं इसीलिए आगे बोलते हैं कि कथम तभी तब क्या होगा चाहिए निस्संग निष्प्रिय है ना इसको से बिल्कुल स्प्रिया रहित हो जाना चाहिए मतलब किसी भी प्रकार की सुख कहाँ तक की सुख समाधि सुख की स्प्रिया भी मन से चला जाना चाहिए हर विषय सुख तो जाना ही चाहिए समाधि सुख स्प्रिया भी
प्रज्ञा मतलब विवेक बुद्धिया, क्यों? क्योंकि ये भी जो है बुद्धान से देगा करके फिर मेरे को दूर दही करेगा, यानी विवेक बुद्धि प्रज्ञेक जब उपलब्ध है सुखम से समाधि अवस्था में जो सुख उपलब्ध है तब अविद्या परिकल्पित वो भी अज्ञा, क्यों? इसलिए मैं कई बार बोला था, शुरू से ही बोला था, शास्त्रों पढ़ के जो ज्ञान होगा वो अज्ञान की स्थिति है ना, शास्त्रों पढ़ के जो ज्ञान होगा वो अज्ञान की स्थिति है, उससे भी पूर्ण जाना है, उससे भी पूर्ण जाना है। इसलिए तो तुमको शास्त्रों को विषयात्मक हो रहा है, किसी विषय के ऊपर मन अपना लंबा समय तक रखने के कारण आपको कुछ सुविधा हो रहा है विचार करके, वो चीज़ अलग है, आत्म स्वरूप सुख एक अलग वस्तु है, वहाँ से भी अंतिम वहाँ से मन को हटा लेना चाहिए। निस्संग निष्प्रिय प्रज्ञा विवेक बुद्धिया जब उपलब्ध है सुखम है तब अविद्या परिकल्पित अज्ञान परिकल्पित मृषा एक विभाग है, शास्त्र क्या बोलता है ये भी मिथ्या ही है, विशेष करके ऐसे भी चिंता भाव एक और विभूषण लगाया, भावना करना चाहिए विशेष रूप से, वहाँ भी आकर के यहाँ पे निकलना मुश्किल पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण छोटा शब्द बोला कि सर्वधर्मान परित्यज, क्योंकि धर्माचरण से भी निकलना मुश्किल पड़ता है, अंतिम धर्माचरण ही है ये शास्त्र, बाकी इस शास्त्र से भी निकल तब जाकर स्वरूप सुख करते, मतलब बोलना आसान है परंतु करते करते जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये हम किस कैसे नहीं, इसलिए बोलते हैं कि निस्संग निष्प्रिय प्रज्ञा विवेक बुद्धिया जब उपलब्ध है सुखम तब अभिवृद्ध परिकल्पित विषय वैद्य विभाग है तथापि सुख रागा वहाँ पे भी जो सुख हो रहा है उस सुख के प्रति राग, मतलब सुख अनुसय राग, उस प्रकार के सुख प्राप्ति की जो बार बार इच्छा होता है ना उसको भी रोक निघृणिया उससे रोक देना चाहिए। राग सब जानबूझ के प्रयोग किया मतलब सुख अनुसय उस प्रकार की समाधि सुख की प्रति जो प्रीति उत्पन्न होता है उसको प्राप्ति की जो इच्छा होता है उसको भी रोक, उसको भी प्रीति अर्थ है। यदा पुनः इस प्रकार अभ्यास करते करते फिर जब सुख रागात निवृत्तम सुख प्राप्ति की इच्छा ही मन से निकल जाता है, क्या हो जाएगा? कुछ भी सुख नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी सुख नहीं चाहिए मुझे, सुख भोगने की सुख प्राप्ति की इच्छा ही मन से निकल जाता है उस समय। यदा यदा पुनः रागात निवृत्तम निश्चय, ठीक है, यदा पुनः सुख रागात सुख के प्रति जो हमारी सुख प्राप्ति की इच्छा अनाधिकाल से सभी जीवों में सुख प्राप्ति की इच्छा रह गई है और उस सुख प्राप्ति की इच्छा अंतिम समय तक भगवत प्राप्ति की इच्छा भी सुखदायक है, इस भाव के अंतिम से निकल जाना चाहिए। भगवत का मन स्वरूप है, उसको प्राप्ति की इच्छा क्यों की हमें अभी तक, ये जब समय में आ जाता है तब जाकर कहता है निवृत्त निश्चल स्वभाव संत मन क्या होता है, चरण स्वभाव से रहित हो जाता है, निश्चल बहिर्निर्गच्छ प्रभु, यदि किसी कारण से स्वभाव प्रति बाहर नहीं करना चाहता है चित्तम ततः ततः नियम तत्व नियम में तो आत्मनिवशन है भगवद गीता में तत्व तथ्य यथो यथ निश्चर की मनश्चर श्रम तत्व तथ्य नियम में तो आत्मनिवशन है चतुर्थ में आएगा, फिर वहाँ से उसको उठाकर उक्त उपाय न जिस उपाय को आपने कहा उस उपाय के द्वारा आत्मनि एवं एकीकुर्यात् प्रयत्नतः इसका स्वरूप में उसको भी इकट्ठा कर देना चाहिए, प्रयासपूर्वक इकट्ठा कर देना चाहिए। चित्त स्वरूप सत्ता मात्र में वह चित्त क्या हो जाएगा, अपने स्वरूप सत्ता के साथ एक हो जाएगा। सत्ता क्या है, असंग शुद्ध मत चित्त में केवल सच्चिदानंद ही विद्यमान है। चित्त क्या हो जाएगा, चित्त स्वरूप सत्ता मात्र में बाबा दे, चित्त क्या हो जाएगा, स्वरूप स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद है, मतलब जो काल के द्वारा बाधित नहीं है, जो जड़ नहीं है, जिसमें कोई सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं है, इस प्रकार के भाव में चित्त स्थिर हो जाते हैं, चित्त स्वरूप मात्र में आप आ गए, इति अर्थ है ये श्लोक की बात। टीकाकार देखिए बोल रहे हैं प्रथम पाद अक्षराणी जो जाए तो इसका आगे देखिए तस् समाधि अवस्थाया इति शेष है ना, कि समाधि स्थित जो भी न जब सुखम जायते तस्य जो भी न जब सुखम अपेक्षा समाधि अवस्थाया समाधि स्थित उसका आगे है ना, ये षष्ठी एक वचन है दोनों समाधि स्थित है जो भी न, ठीक है ना, दोनों षष्ठी एक वचन तस् समाधि और समाधि समाधि की इच्छा रखने वाले जो भी की समाधि अवस्था में
जो सुख उत्पन्न होता है तस् सुख वहाँ पे लगाना पड़ेगा। समाधि योगी ना तस्ते द्वितीय पादम आकांक्षा द्वारा विप्रीण होती। द्वितीय पाद क्या है? उसका आपको समाधि के स्वरूप नहीं देना है तो क्या करना है? विचार पूर्वक समाधि से भी आपने को अलग करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं द्वितीय पाद आकांक्षा द्वारा विप्रीण होती। द्वितीय पाद को आकांक्षा उठा करके उसकी व्याख्या करते हैं कथम करें तो कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब बोलते हैं निस्संग निष्पिल प्रज्ञा विवेक बुद्धिया यद उपलब्ध थे। निस्संग आपका मूल में है उसका अर्थ कर दिया, निष्पिय प्रज्ञा वो मूल में है उसका अर्थ कर दिया, विवेक बुद्धिया है जब उपलब्ध थे सुखम तद अविद्या परिकल्पित मृषा एव इति विभावये भवे शब्द करके इस प्रकार से भावना करना चाहिए। देखिए द्वितीय पद का अर्थ हो गया यहाँ पर अनुराग रहित सन यथंत सुख मतलब समाधि सुखी है। समाधि सुख से भी अनुराग को बार बार उसको प्राप्ति की इच्छा को भी हटा करके निष्पृह शब्द का अर्थ कर दिया यथंत सुखे अनुराग रहित सन उस प्रकार। देखिए निष्पृह ब्रह्म एक वचन है, ये जो है रजोगी का विशेषण है, किसी भी सुख की प्रति स्पृह नहीं रहेगा, किसी भी सुख के प्रति किसी प्रकार की स्पृहा नहीं रहेगा। यहाँ तक कहाँ तक ले गया उठा करके समाधि सुख तक। पहले तो विशेष सुख था ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, ईश्वर की चिंता, उस सुख से भी मन को उठा लेना चाहिए। क्यों? वो विषयात्मक है। थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है ईश्वर को जब हम विषय रूप में चिंतन करते हैं तो चिंतन के तरफ मन को शुद्धि होती है, परंतु ज्ञान तो उस चिंता को छोड़ने पर सुख अनुराग रहित सन इति अर्थ विवेक रूपा बुद्धि आगंतुक गज सर्पव कल्पितत्वम इति एवं आत्मिका तया भावयेत इति अर्थ बोलते हैं कि जब उपलब्ध है सुखम तत् अविद्या परिकल्पित मृषा एव इसका व्याख्या करें टीकाकार विवेक रूपा बुद्धि विवेक बुद्धिया ठीक है प्रज्ञया उसका अर्थ करते विवेक बुद्धिया है ना। तो उसका अर्थ करते विवेक रूपा बुद्धि। अब बुद्धि क्या हो गया? विवेक विवेक रूप मतलब क्या हो गया? जड़ चित्त का भेद को बिल्कुल स्पष्ट रूप में दिखता है। अब बुद्धि को कहते हैं जड़ और चित्त का विभाजन स्पष्ट हो गया बुद्धि। आगंतुक रज्जु सर्प पर उस बुद्धि के द्वारा जब मन वस्तु को देखते हैं जैसे रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, मतलब बुद्धि जिसको विषय करता है वो क्या रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प के समान। आगंतुक रज्जु सर्पवत कल्पितत्वम उसमें कल्पितत्व बैठा हुआ है कौन? समाधि शुद्ध भी कल्पितत्व बैठा हुआ है क्योंकि बुद्धि का विषय है। इसलिए कल्पितत्व इति एवं आत्मिका इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो हो गया विवेक रूपा बुद्धि। ध्यान देना यहाँ पे विवेक रूपा बुद्धि फिलिंग शब्द है ना, विवेक रूप जो आगंतुक रज्जु सर्पवत कल्पितत्वम कभी आ रहा है कभी जा रहा है, इस प्रकार का जो भी समाधि के सुख होता है वो भी रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प समान नित्य वस्तु है, ये हो गया विवेक रूप। निस्संगो प्रज्ञा भयति एवं आत्मिका इस प्रकार की जो बुद्धि है बुद्धि का भी एवं आत्मिका बुद्धि तया उस बुद्धि के द्वारा भावये चिंतन करना चाहिए इति संबंध है ना। निस्संग प्रज्ञा प्रज्ञा अर्थ कर दिया पहले बुद्धि शब्द का विवेक रूपा बुद्धि प्रज्ञा और उस पर मतलब रहेगा जो भी कुछ विषय रूप में हमारे सामने आ रहा है तो रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प के समान मिथ्या वस्तु है, इस प्रकार विवेक बुद्धि के द्वारा उससे भी मन को उठा लेना चाहिए। इसलिए बोलते हैं विवेक रूपा बुद्धि आगंतुक रज्जु सर्व कल्पित एवं आत्मिकया तय भाव है लिखी रखते पाँच नंबर टिप्पणी कहाँ तक कितना सूक्ष्म विचार करते हैं बाहरी वस्तु जो इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि का विषय बनते हैं वो मिथ्या है ठीक है। पहले से गुण का कारण बाहरी कोई भी वस्तु जो इंद्रियों का विषय बनते हैं मन के मशांतर के अब इंद्रियों का विषय नहीं है मन का विषय है, मन का विषय भी मिथ्या होगा
इस प्रकार मन में जो बैठा हुआ बुद्धि का विषय है वो भी मिथ्या हो, इस प्रकार से जो विषय बनता है वो मिथ्या होता है, जो विषय मिथ्या होता है ये सामान्य बात है। इसलिए बोलते हैं कि आगंतुक कार्य रूप से अर्थ अज्ञात होता है भावना प्रकार अभिनयति, ये जो कैसे भावना करे उस प्रकार को अपने आप अभिनय कर शब्दों के द्वारा कह करके हम भाष्य का दिखाना चाहते हैं। भावना प्रकार क्या बोला विभावये विभावये वहाँ से भी सुख से जो वृद्धि उत्पन्न था उससे भी अब मन को उठा लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जस भावन जत इत्यादि तत् कथम सुख निष्प्रत सुखम न जायते तत् न आश्रावे प्रथमार्थ अक्षरार्थ मुक्ता तात्पर्य जमा। इस प्रकार से पहला आधा भाग का जो है अक्षरार्थ को कह करके अब उसका तात्पर्य अर्थ को बोल रहे हैं। तात्पर्य होता था तत्वपि सुखरागात निग्रहणीयात समाधि अवस्था में भी जो सुख होती है ईश्वर चिंतन से भी जो आनंद मिलता है उससे भी मन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वहाँ से भी मन को जाना चाहिए। यानी कि मन को विषय में ले जाना चाहिए नहीं बोलना है, अनेक प्रयास के द्वारा विषय से मन को उठा करके ईश्वर चिंतन में लाया। अब आपको आत्मस्वरूप का अनुभव करने का क्या करना पड़ेगा तो विषय रूप में जो ईश्वर को चिंतन कर रहे थे उसको छोड़ करके ईश्वर का स्वरूप इस भाव में यही बुद्धि जो बोल देता है भगवान यदा में बुद्धि योग ये नदे बुद्धि योग यही है ईश्वर हमसे अभिन्न है। फिर वो ईश्वर क्या करेगा हमारे स्वरूप अज्ञान को नाश कर देगा, कोई भावना हमारा स्वरूप अज्ञान को नाश कर देगा। तो भावना जब प्रथमार्थ से अक्षरार्थ मुक्ता तात्पर्य अर्थ निगमन की तात्पर्य अर्थ को यहाँ पर उपसंहार करते हैं तथोपि सुख रहगा निगृहिया मन को वहाँ से उठा लेना चाहिए। इति अंतर अब उत्तरार्थम विभजन तो उत्तरार्थ मतलब निश्चल निश्चल चित्तम एक ही को याद प्रयत्न यदा पुनः सुख रागा निवृत्त विश्व में मन सुख की इच्छा से भी वो विवृत्त हो जाता है। मैंने ये चीज़ हम भारतीय को समझ नहीं पाएगा ये हमारे अंदर की बात है। आप अपने आप मन को देखिए पूछिए क्या सुख मन और जो भी सुख मन प्राप्त करना चाहते हैं उससे भी मन को उसे मन को उठा दी। पहले अन्य सुखों से हटाने के लिए शास्त्र ईश्वर को अवलंबन ले धीरे धीरे जब ईश्वर अवलंबन में मन रहेगा ईश्वर को विषय रूप में देखने का शास्त्र को भी शास्त्र के विषय को विषय रूप में देखने का प्रयास करते हैं वहाँ से भी मन को उठाते हैं। यदा पूर्वोक्त समाधि अनुरोधा आत्मनि एव निश्चल स्वभाव सत् चित्तम यथत्तम सुख राग निमित्तम तद उपाय राग निमित्त निश्चल भवती संबंध क्या बोलते हैं कि पूर्वोक्त समाधि अनुरोधा जो पहले बोल कर निरोध समाधि है ना संप्रदाय आत्मनि एव निश्चल स्वभाव आत्मा में मन निश्चल हो गया सत चित्तम यथक्तम सुख निमित्त आप क्या वो स्वरूप सुख में जो है विषय रूप में दिख रहे थे सुख राग निमित्त उस सुख के प्रति जो प्रीति उत्पन्न है उससे निमित्त से अथवा उसके उपाय की मतलब उस प्रकार सुख प्राप्त करने के लिए मन के शब्द प्रयोग किया मन के एकाग्र करने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा मतलब उस सुख प्राप्ति की मतलब मन को स्थिर करने के लिए उपाय निमित्त कभी कुछ शराब पी लिया कभी भांग गांजा आदि पी लिया मन को जटिल संतुलन उस उपाय का अवलंबन करना छोड़ जब बोले मैं भी वो दिख रहे होंगे क्या बोलते हैं स्वभाव सचित्तम जतत्तम सुख राग निमित्तम और तद उपाय निमित्तम वे निश्चय मन को स्थिर करने के लिए उसके लिए जिस उपाय को आपने आता उस निमित्त को धीरे धीरे हटा उसको हटा तद उपाय निमित्तम व निश्चर भवति इति संबंध है ना वो सब तद उपाय दो नंबर की उत्पन्न मात्र उपाय ज्ञान वैराग्य अभ्यास रूप लेकिन हमारे यहाँ पे तो ज्ञान और वैराग्य विवेक पूर्व अभ्यास कर रहे थे इससे भी क्यों मैं तो वैराग्य का ज्ञान अभ्यास कभी मन नहीं करता परिचय नहीं करना चाहते। जैसे हमने दृष्टांत के रूप में जो देखा गांजा भांग भी शास्त्र भी एक गांजा भांग की तरह ही है इसका नशा भी ऐसा नशा है इसलिए भी इस प्रकार सुंदर शास्त्र बताते हैं हम ये भी नशा तो सुना कर
तदुपाय तदुपाय प्रज्ञान वैराग्य का बस व्यक्त निश्चर भगति उसके माध्यम से मन को स्थिर करके इच्छा न हो तत्चित्त बाह्य विषय अभिमुख विषय अभिमुखात्त उपाय ज्ञानाभ्यासी बिना व्यावर्त आत्मनेव परस्मिन् ब्रह्मणि प्रयत्नत समाधि संप्रज्ञात समाधि वशात् एकीन बोलिया उस प्रकार के चित्त को बाह्य विषय अभिमुखा बाहरी विषय में भी मैं अभिमुख होता है तो उक्त उपाय न जो उपाय पहले बोलना बोलिया था ज्ञान अभ्यास आदि न ज्ञान अभ्यास आदि के माध्यम से व्यावर्त यदि यहाँ पे आ गया था उसका अभ्यास का वगैरह ये मत भी आ गया फिर ज्ञान अभ्यास वगैरह के माध्यम से क्या ब्रह्मा भी दुखम सर्व अनुस्मृत काम भोगात निवर्त दुखम सर्व अनुस्मृत काम भोगात निवर्त और बोल कर आया ज्ञातम सर्व अनुस्मृत अदम सर्व अनुस्मृत ज्ञातम है कुछ भी पैदा होना संभव नहीं है स्वप्न में दिखाई दे रहा वस्तु को इस प्रकार से वहां से मन को उठा लेना ये ज्ञान अभ्यास माध्यम से व्यावर्त मन को हटा कर आत्मनेव परस्मिन् ब्रह्मणि प्रयत्नत आत्मा में परस्मिन् ब्रह्मणि प्रयासपूर्वक संप्रज्ञात समाधि वशात् एकी कुर्या संप्रज्ञात समाधि से एकता संबंध उसको एकग्र कर देना चाहिए असंप्रज्ञात समाधि युक्तम परिपूर्ण ब्रह्मैव आपादयति सुप्रज्ञात समाधि से प्राप्त होता है कि देखो वहाँ पे तीन शब्द प्रयोग किया था परिपूर्ण है तीन शब्द आए थे ना वहाँ पे क्या क्या शब्द प्रयोग किया था वहाँ पे कि परिशुद्ध परिपूर्ण ब्रह्मात्मक परिशुद्ध परिपूर्ण ब्रह्मात्मक अवस्था मतलब विषय चिंता से रही आत्मा की अगर पूर्णता की व्यवहार असंभव इस भाव को तत्चित्त ब्रह्म विषय का रूप रूप में ज्ञान अभ्यास आत्मनिव परस्मिन ब्रह्म जो कि परिपूर्ण परिशुद्ध और ब्रह्म व्यापक असंग है प्रयत्न कर संप्रज्ञात समाधि से संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से एक ही हो गया उसको फिर वहाँ पे लाना चाहिए असंप्रज्ञात समाधि युक्तम परिपूर्ण ब्रह्म मतलब असंप्रज्ञात समाधि के माध्यम से परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्म तदेव स्पष्ट यदि ईश्वर स्पष्ट रूप में कहते हैं चित्त स्वरूप सत्ता मात्र में वह आपादयति चित्त में क्या है गाड़ी बस हूँ मात्र हूँ कुछ नहीं ठीक है ना जो मैं कभी चित्त और किस वृत्ति में बैठा हुआ अस्तित्व मात्र में बैठा जिस अस्तित्व की कभी नाश नहीं होता इस अस्तित्व में जड़त नहीं है जिस अस्तित्व में दुख की द्वंद्व मात्र भी नहीं है इस अस्तित्व में जो अन्य अस्तित्व वस्तु के अस्तित्व दुखदायक होता है कि वहाँ पे छिप जाता है इस प्रकार के भाव में मन को फिर जाना चाहिए मजा नहीं करके आज भी पहला ही मैं पढ़ते हैं यत्र अजमपि योगं प्रावदेश्वर्य योगात्मतां विविध विषय धर्म प्राणि मुग्धे क्षणानां प्रणत भय विहंती ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्य वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो दुरात्मेति मूर्तिभेदविहायिनि व्योमवद्यादेहाय दक्षिणा